गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मैं हिंदी में बोलूँगा थोड़ा सा कि इंग्लिश में बोलूँ? इंग्लिश इज़ बेटर, सो आई डू द इंग्लिश। थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश में, आई थिंक दैट इज़ द राइट वे टू डू। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन। दिस फर्स्ट पार्ट इज़ फॉर द प्रेस और फिर हम ऑफिशियल प्रोग्राम शुरू करेंगे। बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग द रिटेल समिट हियर in Gujarat, especially in Surat. We all know that Surat is an exciting market. आप में से कितने लोग हैं जो समझते हैं कि सूरत बहुत अच्छा और एक्साइटिंग मार्केट है? तो काफ़ी लोग हाथ नहीं ऊपर उठा रहे हैं, शायद थक गए होंगे। तो बट वन थिंग आई कैन से, सिंस आई रिप्रेजेंट द रिटेलर्स एसोसिएशन, हमारे पास 900 मेंबर्स है ऑल अक्रॉस द कंट्री। और गुजरात को काफ़ी लोगों ने इस तरह में काफ़ी टाइम से सोचा हुआ है कि मार्केट तो है, किस तरह से गुजरात में बिजनेस आगे बढ़ेगा, स्पेशली फॉर रिटेल, क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री इज़ वेरी लार्ज इन दिस कंट्री। वी ऑल नो $500 बिलियन इज़ व्हाट रिटेल इंडस्ट्री डज। इट्स अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटर टू द GDP ऑफ द कंट्री। तकरीबन 15% इज़ व्हाट द GDP कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द GDP। But we know that it can go to double the number. At least 30% of India's GDP can be contributed by retail. And so retail is a big sector. Retail has always been one of the foremost sectors in most of the developed countries in the world. So hum jante hain ki retail se hi buniyad banta hai for GDP for the country. Retail is a very large employer. India mein retail employs more than 33 million people. It is one of the largest, it is the largest private employer in the country. और इस हिसाब से जो है रिटेल का कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इज़ नोन। हमको पता है कि गुजरात में रिटेल इज़ वेरी बिग। गुजरात में कस्टमर्स हैं, लॉट्स ऑफ बिजनेसमैन, पैसा है, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रिटेल कैन रियली ग्रो अप। बट गुजरात में एक काफ़ी दिनों से ऐसा एक था कि वाई शुड वी बी लैगिंग बिहाइंड फ्रॉम द अदर मेट्रोस एंड स्पेशली सूरत। सूरत में इतने सारे बिजनेसमैन हैं, देर आर लॉट्स ऑफ डायमंड traders, we know that, lots of people from the textile industry, lots of people from the industry that is contributing. We know Azira and all these kinds of places is got money, and people who are resident in Surat as well as people who are coming from world over to come in and visit in this place. So virtuous retail ke sath humne ye partnership kiya hua hai for this summit, mainly because I think virtuous retail has showcased the power of रिटेल पॉसिबिलिटी इन गुजरात। क्योंकि काफ़ी हाई स्ट्रीट्स है, काफ़ी सारे मॉल्स लगे हुए हैं गुजरात में, लेकिन वर्चुअस रिटेल ने एक ऐसा एक माहौल बनाया हुआ है कि इट्स अ वेरी गुड कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स हाउ रिटेल एंड रियल एस्टेट कैन कम टुगेदर टू क्रिएट अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स। क्यों कस्टमर्स को कुछ कम्प्लीटली न्यू एंड वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट ना मिले, इस हिसाब से जो है हमने बनाया हुआ है। एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट वी आर डूइंग टूडे। वी आर गोइंग टू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ रिटेल इज ग्रोइंग, हाउ ई कॉमर्स इज ग्रोइंग, हाउ रिटेल एंड रियल एस्टेट हैव टू कम टुगेदर टू डू अ फैंटास्टिक प्लेस टू रियली गेट रिटेल टू ग्रो, वॉट आर द फ्यू थिंग्स दैट रिटेलर्स नीड टू रियली प्रोग्रेस। ये सब चीज़ें आज डिस्कशन होंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं प्रेस को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक द प्रेस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट द मैसेज इज़ क्लियर फॉर एवरीबडी दैट गुजरात इज सेकेंड टू नन, सूरत इज सेकेंड टू नन, हैज़ बी ऑलरेडी सीन विद द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन दैट वी आर सीइंग फ्रॉम द मॉल विच इज दिस शॉपिंग सेंटर हियर फ्रॉम वर्चुअस रिटेल। एंड द फैक्ट इज दैट मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स इन गुजरात, वेन वी हैव डन एन इंटरव्यू एंड यू विल सी दैट रिपोर्ट कमिंग इन द लेटर हाफ ऑफ द डे, आर सेइंग दैट हमारा ग्रोथ जो है 20% अबव है एंड दैट इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द अदर रिटेलर्स इन दिस कंट्री। मतलब गुजरात में जो है सडनली कस्टमर सोच रहे हैं कि मेरे लिए एक्सपीरियंस मिल रहा है, मेरे लिए बेस्ट ब्रांड्स मिल रहे हैं, सबसे लेटेस्ट जो प्रोडक्ट्स है वो मिल रहा है एंड आई एम विलिंग टू रियली स्पेंड। सो दिस इज़ द मेन थीम फॉर द डे एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गो बैक एंड फील दैट गुजरात इज सेकेंड टू नन एंड वी नो दैट नो वी गॉट अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम हियर। So we are second to none. It's just that I think there is a need for coming together and creating the best in the world. We can't be just saying ki customer hai lekin unko second citizen ki taraf experience denge. The experience has to be the best for them and they are willing to come in and spend.
So thank you so much. I